बता दीजिए। तीखा बनाओ तीखा बनाओ भाई, आपको एक बार में समझ में नहीं आती है क्या? ना जाने कैसा एहसास है, बुझती नहीं है क्या प्यास है। थैंक यू सो मच। नशा इस प्यार का मुझ पे सनम छाने लगा। हेलो, थैंक यू सो मच भैया, एक मीठी पापड़ी बना दो। आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूं हाय, कुछ कुछ होता है। क्या करूं हाय, कुछ कुछ होता है। किस बना रहा आज? कुछ नहीं यार, ये रात गोलगप्पे की शॉप पे मिली थी, इतनी प्यारी थी कि इसकी तस्वीरें मेरी आंखों में बस गई। और बाकी तेरा भाई तो है ही फिर तस्वीरों को कागज पर उतारने के लिए। आंखों पे बस गई मतलब दिल पे भी बसी होगी। हाँ यार, सच में बहुत अच्छी लड़की थी। तूने नाम पूछो उससे, नंबर लिया उसका? नहीं यार, इतना टाइम ही नहीं मिल पाया कि उसका नाम और नंबर पूछता। और अब समझ में नहीं आ रहा कि इतने बड़े शहर में उसको ढूंढूंगा कैसे। तो टेंशन किस बात की, हैपन है ना? हैपन मतलब जो हमें लोगों से जुड़ने में मदद करता है। अगर तुझे कोई क्रॉस करके जाए और तू उसे लाइक करता और वो भी तुझे लाइक करे तो एक क्रश है और तुम दोनों इजीली बात भी कर सकते हो। क्या बात कर रहा है, दिखा देख। मिल गई, देखा कहा था ना। बुलावे तुझे यारे आज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया। ना आए कभी दोनों में जरा भी फासले, बस एक तू हो एक मैं हूँ और कोई ना। है मेरा सब कुछ तेरा तू समझ ले, तू चाहे मेरे हक की जमीन रख ले। तू सांसों पे भी नाम तेरा लिख दे, मैं जीऊं जब जब तेरा दिल धड़के।
और पूरी भी अपने बारे में बताओ, तुम क्या करती हो? अनिकेत, मैं एक मॉडल हूँ, मैं प्रिंट शूट्स और रैम वॉक करती हूँ, और मेरे एक भैया हैं जो कि मुझसे बहुत प्यार करते हैं, उनका एक अच्छा खासा बिजनेस है। नाइस यार। अनिकेत तुम बताओ, तुम क्या करते हो? मैं एक आर्टिस्ट हूँ, स्केच बनाता हूँ और पेंटिंग्स बनाता हूँ, आर्ट से बहुत प्यार करता हूँ। वाह, इट्स रियली नाइस। अनिकेत क्या तुम मेरी स्केच बना सकते हो? हाँ, श्योर। इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया, इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया, इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया, इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया। आवा जावा ते मैं यारा नू मनावा, आवा जावा ते मैं यारा नू मनावा, इन्ना सोना इन्ना सोना इन्ना सोना इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया। दिल पे चलाना जब जोर कोई, दिल पे चलाना जब जोर कोई, तू मेरे पास आ गई है, मैं तेरे पास आ गया। प्यासी ये तेरी सांसे, प्यासी ये मेरी सांसे। अनिकेत, हमें 6 महीने हो गए हैं साथ में, तो तुम कब आ रहे हो भैया से हमारी शादी की बात करने के लिए? बहुत जल्द आऊंगा पूर्वी। अनिकेत वैसे मुझे एक बात बताओ, तुम इन आर्ट्स पेंटिंग से कितना कमा लेते हो? फिलहाल तो कुछ खास नहीं, कभी कभी कुछ लोग पेंटिंग्स बनवा लेते हैं तो थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाती है, बाकी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इसमें कुछ अच्छा करूँ ताकि फ्यूचर अच्छा हो जाए। यार अनिकेत, अगर तुम भैया के पास जाकर ये बोलोगे कि तुम फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो, तो मुझे नहीं लगता कि वो हमारी शादी के लिए कभी हाँ बोलेंगे। हाँ यार, वो तो है। अनिकेत डोंट बी सैड, तुम्हें पता है मेरे भैया का बहुत बड़ा बिजनेस है, तुम चाहो तो तुम उनके यहाँ जॉब कर सकते हो, मैं तुम्हारी बहुत अच्छी पोस्ट पे जॉब लगवा सकती हूँ। नहीं यार पूर्वी, मैं कभी जॉब वगैरह में इंटरेस्टेड हुआ ही नहीं, मैं ये सब करना ही नहीं चाहता, पेंटिंग मेरा पैशन है यार, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, उन्हीं में मुझे अपना फ्यूचर दिखाई देता है, मेरे से जॉब वगैरह नहीं हो पाएगी, मैं उन चीज़ों के लिए नहीं बनाऊँ। बाकी यार ऐसा नहीं है, अगर मैं आज उनसे अर्निंग नहीं कर पा रहा हूँ तो आने वाले कल में भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वक्त एक जैसा नहीं होता है, वक्त सबका बदलता है और मेरा भी बदलेगा, बस यार थोड़ा वक्त चाहिए सब कुछ सही करने के लिए और अपने बुरे हालात को सुधारने के लिए। हाँ निकेत, मैं समझती हूँ। अच्छा चलो छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम्हें कितना टाइम लग जाएगा सब कुछ ठीक करने में? यार कम से कम 6 महीने तो चाहिए, लेकिन उसके बाद फिर मैं सब कुछ सही कर दूंगा। ठीक है अनिकेत, प्लीज जल्दी सब कुछ ठीक कर देना। हाय पूर्वी, कैसी हो? I'm good, how are you? I'm fine. पेंटिंग्स बना रहे हो? हाँ, कैसी लग रही है? नाइस। अनिकेत तुम्हें याद है तुमने मुझसे 6 महीने का टाइम मांगा था, और आज 1 साल हो गया है, और मुझे नहीं लगता कि तुम इन पेंटिंग से आज भी कुछ अर्न कर पा रहे हो। यार पूर्वी ऐसा नहीं है, बस थोड़ा टाइम चाहिए सब कुछ सही करने के लिए। अनिकेत मैंने तुम्हें टाइम दिया था, लेकिन अब भैया ने मेरे लिए रिश्ते देखने शुरू कर दिए हैं। अनिकेत अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन भैया मेरी किसी और से शादी करा देंगे, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अनिकेत प्लीज़ बात को समझो, आज भी कुछ नहीं बिगड़ा है अनिकेत, प्लीज़ मेरा भैया का ऑफिस ज्वाइन कर लो आके। यार पूर्वी मैं तुम्हारी बात को समझ रहा हूँ, लेकिन तुम मेरी साइड से भी तो सोचो, मैं ये जॉब वगैरह करने के लिए नहीं बनाऊँ यार, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है उन सब चीज़ों में, मैं सिर्फ इन चीज़ों के लिए ही बनाऊँ यार, मैं अपनी आर्ट से बहुत प्यार करता हूँ एंड मुझे विश्वास है यार एक ना एक दिन मैं सब कुछ अच्छा कर दूँ यार इसके थ्रू, प्लीज़ यार इस बात को समझो।
अनिकेत, मैंने समझने की कोशिश करी, लेकिन अब तुम्हारे पास केवल दो रास्ते हैं, या तो इन पेंटिंग्स को चूज करो या फिर मुझे। सोचता हूँ कि मेरी आंखों ने क्यों सजाए थे प्यार के सपने, तुझसे मांगी थी एक खुशी मैंने, तूने गम भी नहीं दिए अपने, तूने गम भी नहीं दिए अपने, तूने गम भी नहीं दिए अपने, जिंदगी बोझ बन गई अब तो, अब तो जीता हूँ और न मरता हूँ। यार क्या हुआ यार, क्यों रो रहा है भाई? आज सुबह पूर्वी आई थी और पूछ रही थी कि तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो इन पेंटिंग्स को चुन लो या फिर मुझे, और तू जानता ही यार मैं क्या करता। रोने से कुछ फायदा थोड़ी ना यार, पूर्वी अपनी जगह सही है यार, वो भी तुझसे प्यार करती है भाई, तुझसे शादी करना चाहती है यार, उस तुझे धोखा थोड़ी ना दे रही हो। तो यार मैं भी तो उससे प्यार करता हूँ ना, इसमें मेरी क्या गलती है? यार ये बात भी सही है, तेरी गलती नहीं है, अब तेरा प्रोफेशन ही ऐसा है कि यार स्ट्रगल तो बहुत है देख, और तू टेंशन ना ले यार, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, दो तीन लोग हैं मेरे नोन में ऐसे, बाकी कल चलते बात करते, होप तेरे कुछ अच्छा हो जाए, ठीक है? अभी टेंशन मत ले, नीचे चल खाना खा और सो जा, चल। चल यार अभी चल के देखते हैं क्या होता है, बाकी तू टेंशन मत ले यार, सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, मैंने कुछ पेंटिंग्स तेरी कंपनीज को सेंड किया है, कहीं ना कहीं से रिस्पॉन्स आ जाएगा यार। थैंक यू यार। अरे थैंक यू क्यों बोलता है यार, भाई है तू मेरा। पेंटिंग्स हैं, इससे ज्यादा अच्छे स्कूल के बच्चे बनाते हैं। इन पेंटिंगों से आपका कुछ हो नहीं सकता, सॉरी आपका। क्या करूं यार, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, इतनी जगह जाके ट्राई कर लिया लेकिन कहीं से कोई रिस्पांस भी नहीं आया, विशाल ने भी मेरे पीछे बहुत मेहनत करी, अब समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं या क्या नहीं, और पूर्वी से बात की हुई बिना भी ना जाने कितने दिन हो चुके। नहीं यार उसको फोन नहीं कर सकता, क्या बात करूँ उससे और किस मुंह से बात करूँ, वो पूछेगी सब कुछ सही हुआ तो क्या बोलूँ, क्या जवाब दूँ उसे, समझ में नहीं आ रहा है पूरा वक्त कैसे बदलेगा और कब बदलेगा। अनिकेत कहाँ है भाई? यार भाई तेरे लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज है। क्या न्यूज है? यार मैंने तेरे को बताया था ना, मैंने तेरी कुछ पेंटिंग्स कुछ कंपनीज को मेल किए थे यार, उनमें से एक का रिस्पांस आ गया आज भाई। क्या बात कर रहा है? सच में यार, एंड वो यार तेरी पेंटिंग देख के पागल हो गए बिल्कुल यार, वो तेरे जैसे एक आर्टिस्ट को ढूंढ रहे थे, और तो यार तुझे अच्छा खासा पैकेज भी देने के लिए रेडी है वो, तो यार बस आज जाइए उनसे मीटिंग कर लियो अच्छे से यार, और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज, पहले जाके पूर्वी से मिल, उसको सब बता कि सब अच्छा होने वाला है। अब पूर्वी से तो तभी मिलूंगा जब सच में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बाय द वे थैंक यू सो मच यार, सबसे
शादी कर ली पूर्वी। मैंने बोला था मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं सब कुछ सही कर दूंगा, लेकिन तुमने मेरा इंतजार ही नहीं किया। हाँ निकेत, कर ली मैंने शादी, और जहाँ बात रही वक्त की, मैंने तुम्हें वक्त से ज्यादा वक्त दिया, और मैं तुम्हें बताया था कि भैया मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, और तुम तो खुश हो गए ना कि मैंने तुम्हें खो दिया। यार तुम मुझे बिना बताए शादी करके उल्टा मुझे ब्लेम कर रही हो। तुमने मेरे प्यार का मजाक उड़ाया पूर्वी, तुम बहुत बड़ी धोखेबाज हो। खैर छोड़ो, तुमने जो करना था वो तो कर लिया, खुश रहो तुम। सीरियसली तुम हंस रही हो? आई हेट यू पूर्वी। ओ हीरो, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगी? वो तो कल मेरा ट्रेडिशनल शूट है, मैं बस ड्रेस ट्राई करके देख रही थी। मतलब तुम्हारी शादी नहीं हुई? Obviously not, मैं तो बस तुमसे मजे ले रही थी। तुम भी ना पागल हो। इतना टाइम लगा दे, सब कुछ ठीक कर लेना। कम से कम सब सही कर तो दिया, तुमने तो गेट पे मेरी जान ले ली थी। शादी हो गई। कहाँ है तुम्हारे भैया, आए नहीं अभी तक? बस आते ही होंगे। लो आ गए भैया। हाय सर, अनिकेत। हाँ मैं जानता हूँ, मशहूर कलाकार अनिकेत बेनीवाल। तुम्हारी पेंटिंग्स इतनी अच्छी है कि मैंने अपने ऑफिस में भी लगाई। थैंक यू सर। यू वेलकम। आई एम हैप्पी कि मेरी बहन को तुम जैसा लड़का मिला, और एक भाई से ज़्यादा क्या चाहेगा कि उसकी बहन को उसके भाई से भी ज़्यादा प्यार करने वाला लड़का मिले। और हाँ, नेक्स्ट मंथ ही मैं तुम दोनों की शादी भी करा दूंगा, तो अपनी शादी की तैयारी आप शुरू कर दो। Hey guys, thank you so much वीडियो देखने के लिए। I hope आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और यार हैपन ऐप को भी डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और यार अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि वीडियो में क्या आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा, और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, सबके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो उस रेड बटन को प्रेस करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, ताकि मेरी हर एक लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले हफ्ते नेक्स्ट कंटेंट के साथ, मजेदार के साथ। तब तक के लिए बाय। और हाँ, नेक्स्ट वीक वीडियो आ रही है प्यार में धोखेबाजियां एपिसोड 3। बाय बाय।